Okay, next question. Do you want to shift your city? या आप अपनी अपना शहर बदलना चाहते हो? आप दूसरे शहर में जाना चाहते हो? Answer. No, I have no plan to shift my city. I am fully satisfied in my city. I love my city. No, I have no plan. I have no plan to shift my city. Shift का मतलब होता है भाई दूसरी जगह जाना, ट्रांसफर होना, ठीक है, एक सिटी से दूसरे सिटी के अंदर, ठीक है. So I have no plan to shift my city. I am fully satisfied. Satisfied का मतलब संतुष्ट होना. राइट, आई एम फुली सेटिस्फाइड, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ इन माई सिटी. आई लव माई सिटी, मैं मेरी सिटी को बहुत प्यार करता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट इजी टू फाइंड ए जॉब इन योर सिटी? क्या आपकी सिटी में नौकरी पाना बहुत ही आसान है? देखो आंसर क्या है. श्योर, या जरूर, यू कैन गेट एवरी टाइप ऑफ जॉब इन माई सिटी. My city is surrounded by many industries and multinational companies. Yes, वडोदरा के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं भाई, right? Industries और कंपनियां, right? So sure, जरूर, you can get every type of job in your in my city. आप हर तरह की जॉब मेरी सिटी में पा सकते हो. My city is surrounded by many industries and multinational companies. यानी कि मेरी सिटी जो है surrounded, ये नया वर्ड है भाई, ठीक है, surrounded. Okay, surrounded का मतलब घिरा होना, ठीक है, मतलब वडोदरा में चारे बाजू आप देखोगे ना तो चारों तरफ इंडस्ट्रीज है, ठीक है. कोई वहां पे जैसे जीआईडीसी बोलते हैं वडोदरा के अंदर, जीआईडीसी, ओके, जीआईडीसी का मतलब होता है गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राइट. इट इज ए वन टाइप ऑफ ग्रुप है जो इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करता है और उनको बोलता है कि आपको कहाँ पे इंडस्ट्रीज सेट करनी है, राइट. तो वो वहां पे लैंड प्रोवाइड कराते हैं और उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं. तो वडोदरा के चारों तरफ आई थिंक चार पांच जीआईडीसी है, इंडस्ट्रियल स्टेट, ओके. सो सराउंडेड बाय मेनी इंडस्ट्रीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज. मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? जो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर काम करती हैं, राइट, जैसे हुंडई है, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ट्रैफिक कंजेशन जाम ए बिग प्रॉब्लम इन योर सिटी? देखो यहाँ पे नया वर्ड आ गया अभी, कंजेशन. कंजेशन का मतलब जाम, राइट, ऐसा ये रहा, ओके. जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है, ठीक है, तो क्या ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम है आपकी सिटी में? देखो आंसर क्या है. नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज माई सिटी इज नॉट सो मच बिग. द रोड्स आर ब्रॉड एंड वाइड. आवर स्मार्ट ब्रोडियन पीपल फॉलो ट्रैफिक रूल्स ऑल्सो. वाओ, ओके, नो आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि माई सिटी इज, यू नो वाई, ओके, बिकॉज माई सिटी इज नॉट सो मच बिग, सो देर इज नो ट्रैफिक प्रॉब्लम इन माई सिटी. वाई? बिकॉज द रोड्स आर वाइड एंड, ओके, ब्रॉड एंड वाइड का मतलब लंबे चौड़े, ठीक है, चौड़े चौड़े रोड है भाई, ठीक है, ब्रॉड एंड वाइड. आवर स्मार्ट ब्रोडियंस फॉलो ट्रैफिक रूल्स ऑल्सो. हमारे बड़ौदा के लोग भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, आप भी लोग फॉलो किया करो भाई, ठीक है, ओके, दिस इज ओनली फॉर योर सेफ्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर करंट गोल? ओके, करंट का मतलब फिलहाल, ठीक है, अभी आपका फिलहाल क्या गोल है, ठीक है, टारगेट क्या है? देखो आंसर क्या है. माय करंट गोल इज इंग्लिश. आई वांट टू इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल. माय एम इज टू बिकम ए प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर. राइट, आई थिंक इट मे बी योर करंट गोल ऑल्सो, राइट, ओके. माई करंट गोल इज इंग्लिश. आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल एंड माई एम. माई एम का मतलब होता है उद्देश्य, टारगेट इज टू बिकम ए प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर. या आई थिंक इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम ए प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर. ओके, सो यू नीड टू लर्न, ओके, इंग्लिश प्रॉपरली. सो डेफिनेटली यू कैन बिकम ए प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is desired job? Desired का मतलब इच्छी. आपकी क्या इच्छा है? आपकी जो इच्छुक जॉब होनी, इच्छुक का मतलब होता है जो आप चाहते हो, वही जॉब, ड्रीम जॉब बोलते हैं इसको. आपके सपनों की नौकरी कौन सी है? सबकी अपनी अपनी च्वाइस होती है, ठीक है. आंसर है भाई, टीचिंग इज माई पैशन. आई लव टू टीच.
especially English subject. So my dream job is to become an English teacher. ओके पैशन, पैशन का होता है क्रेजीनेस, ठीक है, शौक, जो जिसको बोलते हैं ना पैशन का बोलते हैं शौक, राइट, कोई चीज करने का धुंध सवार हो दिमाग के ऊपर, राइट, पैशन मतलब पैशन का होता है पहला प्यार आपका, राइट, ऐसा. आई लव टू टीच एस्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट, सो माई ड्रीम जॉब इज टू बिकम एन इंग्लिश टीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the most demanding jobs in your country? देखो भाई, इंडिया में कौन कौन सी जॉब डिमांड में है. Many jobs are in highly demanding, like IT professionals, managers, digital marketing specialists, software developers, scientists and doctors. ये इतने सारे jobs हैं भाई, भारी demanding में. If you are expertise, okay, you have expertization, okay, in these, so you can get easily a job and handsome salary also. Next question, do you want to become a teacher? Yes, I want to become an English teacher. It is a prestigious job. Wow, देखो यहाँ पे prestige नया word आ गया, देखो ये रहा, ठीक है, यहाँ पे prestigious, ठीक है, prestigious का मतलब respected job है भाई, right? Teacher है बंदा, okay? सब respect करते हैं, हाँ यार इसको बहुत knowledge है, ऐसा ये एक trend है, right? No, I am passionate about technology, right? अगर आपको अगर टीचर नहीं बनना है तो आप इस तरह से ये आंसर दे सकते हैं, दूसरा आंसर है ये, ओके, आई एम पैशनेट अबाउट. ये बंदा किधर है, पैशनेट का मतलब होता है उसका शौक किधर है, टेक्नोलॉजी की तरफ है, ठीक है, उसका क्रेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट? अचीवमेंट का मतलब होता है आपकी कोई उपलब्धि है बड़ी, राइट, फिलहाल आपने कोई ग्रेजुएशन किया है या कोई अवार्ड जीता है, राइट, आपके लाइफ में, ठीक है, अगर किसी बच्चे ने ट्वेल्थ किया है तो उसकी बिगेस्ट अचीवमेंट तो ट्वेल्थ ही है, राइट, ओके, इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हो, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, दिस इज लास्ट बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ, ओके. चलो नेक्स्ट वन, What difficulties do you have to face when you talk in English? यानी कि when जब आप बात करते हो तो आपको किस किस तरह की problems आपको face करनी पड़ती है? Okay, difficulties का मतलब होता है problems, कठिनाइयाँ. Answer. I have to face many difficulties when I communicate with people in English. I can't compose proper sentences. I also need to learn new words. Besides this, I want to improve my pronunciation and fluency. देखो भाई, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं. फिर से ध्यान से देखो आंसर. I have to face. मेरे को face करना पड़ता है many difficulties when I communicate. Communicate का मतलब होता है talk, बातचीत करना with people in English. I can't compose. Compose का मतलब होता है बनाना, ठीक है, sentence बनाना, right? दोनों का मतलब एक ही, compose या make. लेकिन सेंटेंस के लिए हम कंपोज यूज करते हैं, ठीक है. आई ऑल्सो नीड का मतलब जरूरत. आई ऑल्सो नीड टू लर्न, मेरे सीखने की जरूरत है न्यू वर्ड्स. बिसाइड्स दिस, इसका मतलब होता है बिसाइड्स दिस का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है. आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई प्रोनाशिएशन एंड फ्लुएंसी. देखो प्रोनाशिएशन क्या होता है, कोई भी वर्ड को कैसे बोलते हैं, राइट. जैसे यही वर्ड है, इतना ऑकवर्ड वर्ड है ये रहा, ठीक है, ये अगर इसको प्रोनंसिएशन ऐसा बोलते हैं, मतलब कोई भी वर्ड को कैसे बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रोनंसिएशन, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, राइट. जैसे लाइट है, LIGHT, लाइट, ओके, ऐसा तो उसकी प्रोनंसिएशन लाइट, और फ्लुएंसी होता है बोलने की स्पीड, राइट, मतलब कितनी आप स्मूथली बोलते हो, राइट, या अटक अटक के बोलते हो तो बोलते हैं यार मेरे को है ना फ्लुएंसी नहीं है, राइट, स्पीड है बोलने की स्पीड, उसको फ्लुएंसी बोलते हैं. धारा परवा बोले ना बंदा, ओके. Okay, next one. Do you need an English partner for practice? देखो यहाँ पे n लगाया है. क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे e से चालू होता है ना, AEIOU, है ना, इसके लिए n यूज करना है आपको इंग्लिश के साथ में, है ना, an English partner. क्या आपको इंग्लिश पार्टनर की जरूरत है प्रैक्टिस करने के लिए? आंसर देखो, यस ऑफ कोर्स आई नीड ए गुड इंग्लिश पार्टनर हु कैन टॉक विद मी इन इंग्लिश. When I talk, he can tell me my mistakes and correct my sentences.
सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश लेवल. देखो यस ऑफकोर्स जरूर. आई नीड ए गुड इंग्लिश पार्टनर हु कैन टॉक विद मी इन इंग्लिश वेन आई टॉक. जब मैं बात करूँ तो ही कैन टेल मी माई मिस्टेक्स. वो अपनी मेरी मिस्टेक्स बताए और करेक्ट माई सेंटेंसेस. ओके मेरे सेंटेंस को करेक्ट करे. सो दैट ताकि. देखो यहाँ पे ये फ्रेज है ठीक है एक साथ में यूज होगा. सो दैट ताकि आई कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश लेवल. ओके मैं अपना इंग्लिश लेवल सुधार सकूं. राइट देखो नेक्स्ट वन. डू योर फ्रेंड्स टॉक इन इंग्लिश. क्या आपके दोस्त इंग्लिश में बात करते हैं. सो यू कैन आंसर लाइक दैट नो. मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर समय वी टॉक इन अवर लोकल लैंग्वेज गुजराती. देखो ठीक है लोकल को और क्या बोलते हैं वर्नाकुलर. ठीक है ये रहा वर्नाकुलर का मतलब लोकल लैंग्वेज जैसे कि गुजराती मराठी आसामीज पंजाबी ये सब वर्नाकुलर लैंग्वेज जो स्टेट वाइज हो सकती है एरिया वाइज भी होती है कई बार. ठीक है ऐसा जैसे हमें अपने गुजरात में यहाँ पे न्यूज़पेपर आता है तो वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में आता है हिंदी में नहीं आता है. गुजरात समाचार है संदेश है वो गुजराती लैंग्वेज में आते हैं. राइट उसको बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज. राइट अगर आप ओके सो आप अगर आपके फ्रेंड्स इंग्लिश में बात करते हो आप ये आंसर कर सकते हो. ठीक है यस माई टू फ्रेंड्स टॉक इन इंग्लिश. मेरे खाली दो फ्रेंड बात करते हैं इंग्लिश में. दे आर गुड इंग्लिश स्पीकर. ओके वे अच्छे इंग्लिश ओके स्पीकर है. गुड नेक्स्ट वन. व्हाट इज योर प्लान टू इंप्रूव इंग्लिश. मतलब आपको इंग्लिश सुधारने की क्या प्लान है आपकी. राइट कोई क्लास ज्वाइन किया या और कुछ. ठीक है बताओ देखो आंसर करो. एवरी डे आई टॉक या प्रैक्टिस इंग्लिश विद माई ऑनलाइन फ्रेंड्स. आई लर्न न्यू वर्ड्स एंड ग्रामर रूल्स ऑल्सो. आई ज्वाइन बलजीत आचार्य स्पोकन इंग्लिश क्लब. ही इज अमेजिंग इंग्लिश टीचर ट्रेनर. ओके देखो ये ऑनलाइन का सबसे बेस्ट है भाई. ठीक है ये वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ. अगर आपको अपना इंग्लिश सुधारना है ना तो आप ऑनलाइन एक रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है. आपको जस्ट इस टाइप के जो वंडरफुल वीडियोज हैं जो मैं अपलोड करता हूँ वो देखो आप उनको एनालाइज करो. ठीक है और प्रैक्टिस करो प्रैक्टिकल. राइट जिस तरह से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस तरह से आप मेरी कॉपी कर सकते हो. ठीक है ये एक इंग्लिश सीखने का सबसे अमेजिंग तरीका है. राइट ऐसा क्योंकि प्रैक्टिकल के बगैर पॉसिबल नहीं है. जब तक आप बोलोगे नहीं ना स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग. राइट सो आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली. देखो हाउ मेनी मतलब कितने है ना ये एक पूरा फ्रेज है भाई. हाउ मेनी ठीक है हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली. आपके फैमिली में कितने लोग हैं. देयर आर सिक्स मेंबर्स इन माई फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is who is genius in your family? आपकी फैमिली में genius कौन है. एक दो ही होता है सारे genius नहीं होते. I think my elder sister is the most genius in my family. She has enough knowledge about everything. She is also a smart communicator. देखो आंसर क्या है. I think मेरे विचार से I think my elder sister का मतलब होता है बड़ी बहन. Is the most genius in my family. She has enough knowledge का मतलब होता है काफी knowledge, right? Enough का मतलब होता है काफी knowledge, okay? काफी enough ये word है. Knowledge about everything, उसको हर चीज के बारे में काफी knowledge होती है. She is also a good communicator, smart communicator. Communicator का मतलब होता है बातचीत करने वाली, ठीक है? वो, ठीक है? Smart talker है वो, ठीक है? Smartly बात करती है किसी से भी, ठीक है? देखो आपको आपको भी अगर अच्छा कम्युनिकेटर बनना है ना तो आपको ये सारी चीजें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. राइट कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है. ठीक है इस तरह से. ठीक है अगर आप इफेक्टिवली सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉपर क्वेश्चंस आंसरिंग करोगे ना सो यू कैन ऑल्सो बिकम ए स्मार्ट कम्युनिकेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज स्मार्ट इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में स्मार्ट बंदा कौन है. आई थिंक माई फादर इज ए स्मार्ट पर्सन. ही कैन हैंडल Any challenges easily. He takes care all our family members skillfully. देखो भाई I think मेरे विचार से my father is a smart person in my family. He can handle. Handle का मतलब control करना. ठीक है He can handle any challenges. कोई भी चुनौती होगी okay, in our family he can handle easily. आसानी से
ही टेक्स केयर, टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, ठीक है, पूरे परिवार का, ऑल आवर फैमिली मेंबर्स। स्किलफुली का मतलब होता है कुशलता से, स्मार्टली, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज योर फैमिली लिव इन एन ओल्ड और ए न्यू हाउस? देखो, ठीक है, क्या आपकी फैमिली एक पुराने घर में रहती है या नए घर में? ठीक है, तो आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। वी लिव इन एन ओल्ड हाउस, हम एक पुराने घर में रहते हैं। इट वॉज बिल्ट बाई अवर ग्रैंड फादर इन 1999। देखो यहां पे, वी लिव इन एन ओल्ड हाउस, हम एक पुराने घर में रहते हैं। इट वॉज बिल्ट, देखो ये मैंने अंडरलाइन क्यों किया यहाँ पे, इट वॉज बिल्ट, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है, राइट, या एक्टिव पैसिव वॉइस का ये फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री लगता है इसके अंदर, ठीक है। इट वॉज बिल्ट, ये बनाया गया था बाई माई ग्रैंड फादर इन 1999। ओके, सो अगर आप नए घर में रहते हो तो ये आंसर कर सकते हैं। वी लिव इन ए न्यू हाउस, इट इज ए मॉडर्न फ्लैट इन ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देखो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ पे देखो ये स्टोरी का स्पेलिंग देखो इधर, ठीक है, ओके, एस टी ओ आर ई वाई, स्टोरी, इसका मतलब होता है मंजिल, कितने मंजिल बिल्डिंग है, राइट, और वो स्टोरी अलग होती है, ठीक है, जो कहानी को बोलते हैं आप लोग, एस टी ओ आर वाई, ठीक है, वो, राइट, ये कहानी अलग है, इसका स्पेलिंग अलग है भैया, इसको बोलते हैं स्टोरी, कितने स्टोरी है, जैसे मंजिल, कितने मंजिल की बिल्डिंग है, तो स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, ओके, सो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू लिव इन कंट्री साइड और रूरल एरिया इन द फ्यूचर? देखो यहाँ पे अमेरिका में, अमेरिकन लैंग्वेज में कंट्री साइड को बोलते हैं गामड़िया एरिया, ठीक है, विलेज एरिया जो होता है ना, ठीक है, ऐसा रूरल, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, अर्बन एरिया, राइट, अर्बन एरिया होता है शहरी क्षेत्र, तो यहाँ पे क्या है, वुड यू लाइक टू लिव इन कंट्री साइड एरिया इन द फ्यूचर, क्या आप भविष्य में, मतलब आगे आगे आने वाले समय में आप गांव में रहना पसंद करोगे, ग्रामीण क्षेत्र में रहना पसंद करोगे, ठीक है, क्या है आंसर, देखो, यस आई वॉन्ट टू स्पेंड माई रिटायर्ड लाइफ इन ए विलेज, आई लव पीस एंड नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ रूरल एरिया, वाओ ग्रेट, आई थिंक एवरीबडी लाइक्स, ओके, रूरल एरियाज, बट ओके दे हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स वाई, ओके दे हैव टू लिव इन ए सिटी, राइट, देखो क्या बोल रहा है ये बंदा, आंसर क्या है, Yes, I want to spend my retired life, right? मेरी रिटायरमेंट के बाद में मैं पूरी जिंदगी कहाँ पे, एक गांव में बिताना चाहता हूँ, स्पेंड का मतलब है बिताना, आई लव पीस, पीस का मतलब है शांति और नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक वातावरण, राइट, ऑफ रूरल एरिया, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का मैं शांति और जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो मैं पसंद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कम डिड यू मिस द ट्रेन? ये एक्चुअली सिचुएशनल क्वेश्चन है भाई, कई बार हम पूछते हैं, देखो यहाँ पे ये मैंने अंडरलाइन किया, हाउ कम, ये एक फ्रेज है, ठीक है, जो यूज होता है, इसका मतलब होता है ऐसे कैसे, राइट, कई बार बोलते हैं ऐसे कैसे ये हो गया, तो यहाँ पे ये देखो, How come did you miss the train? आपने ट्रेन को ऐसे कैसे मिस कर दिया, क्योंकि आप तो टाइम पे निकले थे, तो ये एक सिचुएशनल वर्ड है, आप पूछते हैं ऐसे, राइट, आप तो एक घंटे पहले से निकले थे, स्टेशन पे पहुंच गए, राइट, तो ट्रेन को ऐसे कैसे मिस कर दिया, राइट, तो आप कोई रीजन दे सकते हो, यहाँ पे देखो आंसर में क्या रीजन है, आई स्टक इन ट्रैफिक जाम, राइट, बंदा पहले निकला था लेकिन रस्ते में क्या हो गया, ट्रैफिक जाम में फंस गया, स्टक, देखो यहाँ पे ये रहा, स्टक का मतलब होता है फंस जाना, ठीक है, अटक जाना कहीं पे, that's why, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये भी फ्रेज है, that is why, यही कारण है कि I missed the train, मैंने मेरी ट्रेन मिस कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, what is the point of studying English? Oh my God, यहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई, है यहाँ पे y आएगा, ये डबल d आ गया है, ठीक है, तो सुधार लेना आप लोग, ठीक है, st UDYING आएगा, स्टडिंग, वट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश, ओ माई गॉड, यहाँ पे ये भी भूल गया मैं, राइट, क्वेश्चन मार्क, ओके, वट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश, देखो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है, ये भी एक तरह का
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश पढ़ने का क्या फायदा है, मेरे को समझ में तो आती नहीं है। कई बार ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं ना, ऐसे कन्वर्सेशन करते हैं तो यार इंग्लिश, जैसे कई बार जैसे मैथ के लिए बोलते हैं, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं मैथ, समझ में भी नहीं आता है। तो इंग्लिश या मैथ पढ़ने का क्या, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग मैथ दैट आई कांट अंडरस्टैंड, राइट? इंग्लिश पढ़ने का क्या फायदा है, मेरे को समझ में नहीं आता है तो, राइट? सो ये सिचुएशन क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग इंग्लिश। सो यू कैन आंसर लाइक दिस, देयर आर मेनी एडवांटेजेस लर्निंग इंग्लिश, यू कैन कम्युनिकेट विद एनीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड। यस, यानी कि देयर आर मेनी एडवांटेजेस, एडवांटेजेस का मतलब होता है भाई फायदे, ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं लर्निंग इंग्लिश। यू कैन टॉक और कम्युनिकेट, दोनों का मतलब एक ही होता है, टॉक और कम्युनिकेट, ठीक है, बातचीत करना। यू कैन कम्युनिकेट विद एनी बडी अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, ये फायदा है, एडवांटेज, फायदा, ओके। और इसी को अगर बनाना हो तो इसके यहाँ पे खाली डिस लगा देने का, उल्टा बनाना हो तो डी आई, ठीक है, ओके, डी आई एस, ओके, डिसएडवांटेज ये लगा देने का, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये ड्राइंग बना दिया मैंने, ओके। डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, फायदे और नुकसान, इस तरह से वर्ड को यूज करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग विद हिम, उसके साथ बहस करने का क्या फायदा है, आर्ग्यूमेंट होता है ना, बहसबाजी करना, आर्ग्यू, ओके, डोंट आर्ग्यू विद मी, आर्ग्यू, ओके, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग विद हिम, यार उससे बहस करने का क्या फायदा है। देखो आंसर, यस यू आर राइट, ही इज ए फूल, राइट, वो मूर्ख है, ओके,